हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी डीलिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज लेफ्ट इन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डेल्ट टिल द काइंड ऑफ प्रोपोगंडा दैट हिटलर हैड रिगार्डिंग ज्यूज एंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एंड थ्रू व्हाट मेजर्स ही यूज्ड टू टेक अवे चिल्ड्रन हु आर बिलोंगिंग टू नॉन जर्मन फैमिलीज एंड दे वर एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स. ऑल्सो वी हैड लर्न्ड दैट सम ऑफ द पीपल हु वर marked as typical Jews were taken away from their families and lived in separately marked homes which were called as ghettos, and these ghettos were a means of excluding the people out of the main country, right? Then we moved on to looking into the various repressive means that he undertook for overthrowing these Jews, right? Now in today's lecture we will be dealing with actually the most important part, that how did we come to know so much about Hitler. डेफिनेटली जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में वी डू नॉट हैव एनीथिंग विच इज प्रेजेंटली एविडेंट, राइट? हमारे पास कोई भी ऐसी चीज अभी अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम एविडेंस को क्रिएट कर सकें. बट अगर हम उस एविडेंस के बेसिस पर चलें तो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? हाउ डू वी कम टू नो दैट हु वॉज हिटलर, वॉट वॉज हिज पॉलिसीज एंड सो ऑन, राइट? सो आर टूडेज टॉपिक विल डील विद दिस. बट बिफोर दैट वी ऑल्सो आर लेफ्ट विद अ स्मॉलर पोर्शन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हिम, दैट इज यूथ. जितने लोग यूथ सेक्शन को बिलोंग करते थे उन लोगों की क्या इम्पोर्टेंस थी और उन लोगों को किस तरीके से टीचिंग्स दी गई, उन लोगों को क्या चीज थी जो सिखाई जाती थी टाइम एंड अगेन, इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज लेक्चर. सो वी विल बिगिन विद यूथ इन नाजी जर्मनी. जब हम यूथ की बात करें तो डेफिनेटली हम लोग एक ऐसे सेक्शन को टारगेट करना चाह रहे हैं जो अभी ग्रोइंग एज में है, प्लस ऐसा सेक्शन जो अभी स्कूल गोइंग वाली कैटेगरी में आता है, एंड दैट नीड्स टू बी टैकल्ड वेरी केयरफुली फॉर द रीजन कि आप उस एज ग्रुप को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो. आप जो चीज़ सिखाना चाहते हो, जो चीज़ टीच करना चाहते हो, वो बहुत इजीली इस एज ग्रुप में एप्लीकेबल रहेगी, राइट? तो यूथ का नाजी जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. द रीजन इज फर्स्ट, चिल्ड्रन वर टॉट टू प्रीच एंड वर्शिप हिटलर. उन लोगों को प्रीच करना और वर्शिप करना हिटलर को सिखाया जाता था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. दे वर टोल्ड टू हेट ज्यूज, पॉलिश, जिप्सीज एंड अदर कम्युनिटीज. इसके अलावा उनको बहुत छोटी सी एज से सिखाया जाता था दैट मेन और बॉयज नीड्स टू बी मैस्कुलिन, strong, aggressive, and यहां तक कि males और females, boys और girls के लिए characteristics अलग अलग थे. males के लिए requirement थी कि they have to be masculine enough, they have to be strong and they have to be aggressive.
और इस अग्रेशन को बढ़ाने के लिए वो बोलता था कि लड़कों को हमेशा बॉक्सिंग करनी चाहिए। बॉक्सिंग करने से क्या होगा, दैट यू विल हैव अ हेट्रेड टुवर्ड्स अदर, राइट, एंड यू विल बी सेंटिमेंटल लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस, राइट। तो गेम्स के थ्रू भी उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्बाइब करवाए जाते थे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाए जाते थे, ठीक। जो टीचर्स स्कूल्स में थे वो टीचर्स को अगर वो कभी ज्यूइश नेचर शो करते थे या दे बिलोंग्ड टू अ ज्यू ओरिजिन तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। अगर अपन इवेंचुअली बात करें तो इवेंचुअली उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, गैस चेम्बर्स में भेज दिया जाता था। बट फर्स्ट स्टेप जो उसका था वो था एक्सक्लूड करना। सबसे पहले हम लोगों को अलग करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को हटाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अपन किसी भी जीव की बात करें तो जैसे उनको घेटोज में रखा जाता था, अगर कोई ऑक्यूपेशन में भी हमको ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है जो ज्यूइश है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करवा देंगे, ठीक। एक्सक्लूजन के बाद इवेंचुअली उनको गैस चेम्बर में भेजकर और किल करवा दिया जाता था, ठीक। बॉयज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ तक कि जो मैथ्स क्लासेस होती थी उन मैथ्स क्लासेस के थ्रू भी लड़कों को यही नेचर की कुछ चीजें जो थी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, ये सिखाए जाते थे, ठीक। अब उसका ये मानना था कि बॉयज को नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस चीज की, आर्मी की ट्रेनिंग नेसेसरी होनी चाहिए। तो उनको 10 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते थे दे हैड टू एंटर और ज्वाइन अ कम्युनिटी विच वॉज फॉर्म्ड फॉर देम विच वॉज नोन एज जंग बोल्क, ठीक। 14 ईयर्स की एज में दे हैड टू ज्वाइन अनदर ग्रुप विच वॉज स्टार्टेड बाय हिटलर एंड At the age of 18 years, they were supposed to join Nazi Youth League, which was founded in year 1922. और इस Nazi Youth League को join करने का मतलब था कि आपको 2 years की rigorous training दी जाएगी to serve in the army। इसके पीछे क्या reason था कि आपको 2 साल serve करना ही करना है। In case उसका ये मानना था कि कभी भी country पर attack की situation अगर आती है तो हम इतने सारे soldiers को एक साथ तो deploy नहीं कर सकते, हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, टाइम एंड अगेन वी विल रिक्वायर मोर एंड मोर पीपल। अगर लोग बिना ट्रेनिंग के जाते हैं तो बिना ट्रेनिंग के देयर विल बी मैनी कैजुअलिटीज विच मे बी रिपोर्टेड। तो उन कैजुअलिटीज को डिक्रीज करने के लिए उनका एज ग्रुप ऐसा रखा गया कि दे शुड बी ऑलरेडी ट्रेन्ड सो दैट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विच कम्स ऑन द नेशन द पर्सन द बॉय और द मेल शुड बी रेडी टू सर्व द कंट्री एनी टाइम। सो दिस वॉज द रीजन वाई ही फोर्सफुली एनरोल्ड बॉयज इन टू दिस नाजी यूथ लीग वेर इन ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड टू देम फॉर वॉर रिलेटेड मैटर्स। मूविंग ऑन फर्दर, जैसे ये बॉयज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मदर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था, फीमेल्स के ऊपर there was a lot of pressurization based on that how they should behave and what should be the measures which should be taken to teach them. So motherhood was a really repressive and pressurizing mechanism through which females were taught to be, females ke characteristics hone chahiye the loyal, submissive, रियर, प्योर ब्लडेड, आर्यन रेस चिल्ड्रन। फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे दैट दे वर सपोज टू बी लॉयल इनफ, दे वर सपोज टू बी सबमिसिव, दे वर सपोज टू रियर प्योर ब्लडेड आयरन रेस चिल्ड्रन एंड ऑल्सो बियर देम। ठीक है,
इस चीज को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, देयर वर ऑनररी क्रॉसेस विच वर प्रोवाइडेड टू फीमेल्स. जो फीमेल्स के 4 आर्यन रेस, प्योर ब्लडेड आर्यन रेस चिल्ड्रन होते थे, उनको ब्रॉन्ज क्रॉस से सम्मानित किया जाता था. जिनके 6 होते थे उनको सिल्वर से, और जिनके 8 और मोर होंगे उनको गोल्ड ऑनररी क्रॉसेस से सम्मानित किया जाता था. ठीक है, इन फीमेल्स के लिए बहुत सारी जगह पर कंसेशंस था. जैसे मूवी टिकट्स में कंसेशन था. इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर टिकट का बात होगी, यहाँ पर रेंट की बात होगी, तो उन चीज़ों में कंसेशन था. बस टिकट्स हो गए, मूवी हॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एनी वेयर वेयर फीस इज रेंडर्ड, तो उस फीस में इन लोगों को कंसेशन प्रोवाइड करवाया जाता था. जिन फीमेल्स के कॉन्टैक्ट आर्यंस के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लोगों से थे, फीमेल्स पर्टिकुलरली, बिकॉज दे विल अल्टीमेटली देयर चिल्ड्रन. जिन फीमेल्स के कॉन्टैक्ट्स किसी और कम्युनिटी के लोगों से थे, मे बी एनी ऑफ द कम्युनिटीज विच वी हैड स्टडीड टिल नाउ, अनडिजायरेबल्स वाली कैटेगरी में, उन लोगों को, उन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, डिसगस्ट की तरीके से देखा जाता था, एंड दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. एंड वॉट वॉज डन, the females who reared other races were hanged with a placard saying that I have sullied the honor of the nation. This means that those females were regarded as that they have actually done an act which is a disgrace to the country. So they were hanged with a placard around their neck and their heads were shaved and their flags, the faces of these females were blackened and they were roamed around and paraded through the whole city and hanging with this placard. Eventually इनकी जो families होती थी उन families को भी punishment बतौर इनकी एक्ट की वजह से बियर करना पड़ता था. एंड ऑफन देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल टू अदर प्लेसेस और सेंट टू गैस चैम्बर्स. सो फीमेल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हिम. एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ सरकास्टिक लाइन विच इज गिवन दैट इन माई कंट्री फीमेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड नाजी जर्मनी. वाई? बिकॉज जब तक इनकी रेस मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक देर वॉज नो यूज. सो फॉर मल्टीप्लाइंग इट रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल वॉज देयर एंड हेंस ही कमेंटेड. सो मूविंग ऑन फर्दर, कई बार जो ज्यूज होते थे उन ज्यूज के लिए इन लोगों ने हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक प्रोग्राम डिवाइस किया था फॉर किलिंग दीज पीपल, दैट वॉज यूथेनेशिया. अब वो कभी भी जब भी अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने ऑफिशियल्स को कमांड डिवाइस करता था तो वो कभी भी किल वर्ड यूज़ नहीं करता था. देयर वर स्पेशल टर्म्स विच वर फ्रेम्ड फॉर किलिंग दीज पीपल. हर पर्सन के लिए, हर कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स थे जो उसने डिवाइस कर रखे थे. लाइक इवैक्यूएशन का मतलब था दैट यहाँ से लोगों को खाली करो और गैस चेम्बर तक ले जाओ. इवैक्यूएट करने का क्या मतलब होता है? एम्प्टी द स्पेस. व्हेन यू एम्प्टी दैट स्पेस दैट इज नोन एज इवैक्यूएशन. तो वो जब उनको लोगों को डिपोर्ट करवाना होता था एक से दूसरी जगह पर, सो ही यूज्ड टू से इवैक्यूएट. राइट, किलिंग दोज पीपल हु वर क्रिपल्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड, द नेम गिवन वॉज ज्यू. द नेम गिवन वॉज यूथेनेशिया, पर्टिकुलरली द कम्युनिटी ऑफ ज्यूज. After they were sent to gas chambers, while the program was being conducted of killing the people, he used to say that this is final solution.
Final solution means there is nothing after life. After life, you do not know what happens to a human being. So, according to him, that particular time, that particular phase was referred to as the final solution. So, there were special terms which were devised for each and every community, and he never used to spell out the word that I am going to kill this community. जो Jews थे, उन लोगों को propaganda films के through, posters के through, leaflets के through, advertisements के through, media के through basically अगर अपन बात करें, तो media के through इस तरीके से publicize किया गया that they were themselves looking at that do we look so bad. जैसे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ज्यूस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन किया गया एंड दे वर शोन विद समवन हु इज अ वेरी फैट पर्सन, समवन हु इज हैविंग अ फ्लोइंग बियर्ड, समवन हु इज वेयरिंग अ वेरी लूज टाइप क्लॉथ नोन एज कफ्तान और एनीथिंग विच डज नॉट रिजेंबल अ कॉमन ह्यूमन बीइंग. There were also many propaganda films which were made to project them. One of the prominent films that was in circulation widely at that time was The Eternal Jew, in which they were shown as someone who is a vermin or a pest. Like the people who belong to very bad community and they do not resemble like human being. But in actual condition, if you see, you cannot differentiate two people belonging to these two different communities. It was impossible. The characteristics which were defined by him were totally based on some hypothetical notion which did not match facial characteristics resemblance if we look at both the communities at the same time. तो कोई डिफरेंस आप नोट डाउन नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ उनके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस माने तो. बट उन लोगों का प्रोजेक्शन इस तरीके से था दैट एवरी पोस्टर यूज्ड टू अटैक द ज्यूइश कम्युनिटी. वी हैव सम ऑफ द पोस्टर्स गिवन इन आवर बुक्स दैट हाउ दे वर अटैक्ड एंड व्हाट वाज द वेज इन विच दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. तो ऐसा कुछ तरीके थे जिनके थ्रू उनको ये चीज स्पेल आउट करी गई. ठीक, मूविंग ऑन फर्दर, अब हम इस चीज का इम्पैक्ट ऑर्डिनरी लोगों के उससे पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी लोगों का क्या मानना था. So we move on to our next topic. Ordinary people and the crime against humanity. अब जब हम ऑर्डिनरी पीपल की बात कर रहे हैं तो दीज ऑर्डिनरी पीपल होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विद द रिस्पेक्ट टू. कुछ लोग ऐसे थे जो डेफिनेटली नाजिज्म के फॉलोअर बन गए थे सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही यूज टू से दैट आई हैव कम टू रिलीव द कंट्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रेस दैट इट हैज बीन गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन दैट हैड फॉलोड more recently and because of the condition that humiliation Germany had faced. Kuch log openly is Nazism ke followers the, but not every German, mark this line, but not every German was a follower of Nazism. Impossible tha ki har ek German Nazism ka follower ho, aisa zaruri nahi tha. Ab jab aisi condition prevalent hai aur zaruri nahi hai तो फिर ऐसी कुछ कम्युनिटीज होंगी जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस शो करी होगी अगेंस्ट नाजिज्म आल्सो, बट वो जो अगेंस्ट वाली फीलिंग थी दैट कुड नॉट इमर्ज टू अ मच लार्जर एक्सटेंट. व्हाई? बिकॉज कि उस टाइम पर हिटलर के अगेंस्ट जाना वाज समथिंग विच वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो लोगों ने क्या किया, जब लोगों ने सीक्रेटली इन सब चीजों के बारे में ये सब चीजें फेस कर रहे थे
So they secretly started writing something or the other and started recording their dreams. कि हम लोग क्या चीज इमेजिन कर रहे थे और इन रियलिटी हमारे साथ क्या चीज है जो हो रही है. एंड दैट इज वाई दे आर रिकॉर्डेड एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अब आप इतने सारे इनोसेंट लोगों को एक साथ डिपोर्ट होकर और किल होते हुए देखोगे एंड दैट टू विद अ वेरी बैड मीन्स, गैस चेम्बर सफोकेटिंग मीन्स, पीपल डाई ऑफ ऑफन ब्रीदिंग प्रॉब्लम. तो ऐसी कंडीशन को हम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्राइम ही कंसिडर करेंगे. तो ये जब कंडीशन थी, इस कंडीशन की वजह से ऑर्डिनरी लोगों के रिएक्शन बहुत मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ थे. तो कुछ लोग, सम ऑफ द पीपल ओपनली फॉलोड what Nazism was about, but there were some who resisted Nazism. हमारे पास एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में. पास्टर नाइमोलर वॉज अ पर्सन हु रोट अगेंस्ट हिम. कि पहले कम्युनिटीज की बारी आई एंड दे वर टेकन टू गैस चेम्बर्स. बाद में ज्यूज की बारी आई, दे वर टेकन टू गैस चेम्बर. उसके बाद में कुछ टाइम बाद जिप्सीज की बारी आई, पॉलिश की बारी आई. ऑल ऑफ देम वन बाय वन वर टेकन टू गैस चेम्बर्स बाय फाइंडिंग ईच एंड एवरी वन. तो इवेंचुअली this person writes that I know my future is going to be like this, that sooner or later I will also have to move to that gas chamber, but before that let me lament something about the condition that we were facing. एक और पर्सन के बारे में जो डायरी एंट्रीज लिखा करती थी, जिनकी डायरी एंट्रीज बाद में पब्लिश हुई और जिसकी वजह से हमें इतना कुछ पता लगा हिटलर के बारे में. द नेम ऑफ द डायरी वॉज थर्ड reach of dreams. और ये जो third reach of dreams है, ये बाद में एक book के तरीके से publish हुआ. The book was written by this female who had written each and every day events in her diary and which when later recovered considers to be one of the greatest archival source which acts as an information for providing every detail about the concept of Nazism, right? There were some other events ki hame is Holocaust ke bare mein. How do we get to know about this knowledge about Holocaust? Holocaust ka matlab tha jab bahut large scale par there was killing done. So this condition came to be known as a Holocaust. इस होलोकॉस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें लेटर्स के फॉर्म में बहुत बाद में रिकवर करी गई, जिसके ऊपर एक्चुअली ये पूरा चैप्टर जो है ये बेस्ड है. सो इस होलोकॉस्ट के बारे में डायरी एंट्रीज एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एक्ट करी. बहुत सारे ज्यूज का ये मानना था कि हम लोगों को इतना बुरा प्रोजेक्ट किया हुआ है. सो डू वी लुक रियली सो बैड दैट पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग अस इन सच अ वे. क्या हम सच में इतने बुरे दिखते हैं? एंड कुछ लोगों ने ये लेमेंट किया है दैट आफ्टर दिस पीरियड गेट्स ओवर, हम लोगों को अगर अपनी लाइफ का हाफ एन आवर स्पेंड करने के लिए दिया जाए फ्रीली, व्हेन देयर इज नो रिप्रेशन, व्हेन देयर इज नो हिटलर, अगर हमको ऐसी कंडीशन दी जाए तो वी विल से एवरीथिंग व्हाट वी हैड फेस्ड इन आवर लाइफ टाइम. बहुत सारे लेटर्स मिल्क कैंस के अंदर छुपे हुए थे जो मिले बाद में, जिनको रिकवर किया गया और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरीके से वो एक्ट करे. तो हमें होलोकॉस्ट के बारे में जितनी नॉलेज अटेन हुई है वो इन आर्काइवल सोर्सेस की वजह से अटेन हुई है. हमारे चैप्टर का जो लास्ट पेज है, वो लास्ट पेज में दो लेटर्स प्रिंटेड हैं जो महात्मा गांधी ने कभी हिटलर को लिखे थे. द रीजन इज दैट ही वॉज बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड हिटलर वॉज टोटली अ बिलीवर ऑफ
violence. So we must go into those letters once, just for the purpose of reading. So we are done with the chapter Nazism and the Rise of Hitler. Thank you so much.